दवाओं के भ्रामक विज्ञापन और बिना परीक्षण दवाओं को बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर कड़ा गुस्सा जाहिर करते हुए उन्हें परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा। इसके साथ ही हलफनामे को झूठा करार दिया। उनकी माफी स्वीकार कोर्ट ने नहीं की। इसी के साथ ही साथ उत्तराखंड के ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी के 3 अफसर को सस्पेंड कर दिया गया। अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। देखिए आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ। भ्रामक दवाओं के विज्ञापन के मामले में बुधवार को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उनके खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने उनका 6 अप्रैल का माफी का हलफनामा अस्वीकार करते हुए कहा कि वो हलफनामे में धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये हलफनामा सिर्फ कागज का टुकड़ा है। हलफनामा दाखिल करने से पहले आपने मीडिया को लीक कर दिया। बाबा रामदेव ने हलफनामे में बिना शर्त माफी मांगी थी और कहा था कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, लेकिन कोर्ट ने कहा आपने अदालत की प्रक्रिया को बहुत हल्के में लिया है। जब आप अगले दिन दिल्ली आ गए तो इसे दाखिल करने की जरूरत क्या थी? हम इस केस में ज्यादा उदार नहीं होना चाहते। हम अंधे नहीं हैं। आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। आप किस प्रकार की दवाएं लेकर आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार की ड्रग्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा, आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? केस क्यों दर्ज नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड ड्रग्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी के 3 अधिकारियों को सस्पेंड करने के लिए कहा और ज्वाइंट डायरेक्टर से कहा, आप घर बैठिए, आप डाकघर की तरह काम कर रहे हैं। इस पर ज्वाइंट डायरेक्टर की तरफ से कहा गया कि अब कार्रवाई होगी, केस दर्ज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात केवल पतंजलि आयुर्वेद की नहीं बल्कि भ्रामक विज्ञापन देने वाली सभी कंपनियों की है। आप माफी मांग रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने कोरोना के दौरान कोरोनिल दवा खाई उनका क्या? अब इस मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को होगी और 16 अप्रैल को बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होना होगा। वहीं उत्तराखंड ड्रग्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तमाम अधिकारियों को भी इस मामले में रिप्लाई फाइल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट से अपने सहयोगी आशीष भार्गव और कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।